बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट शोमैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटी बर्नम है। वो एक शोरूम के बाहर खड़ा होकर सूट देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सूट को खरीदना चाहता हो, एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन इस वक्त उसके जूते फटे हुए होते हैं। बर्नम के पिता एक टेलर है जो एक फैमिली के लिए काम करते हैं। बर्नम भी अपने पिता के साथ उस घर में जाता है जहां पर वो उस घर की बेटी से मिलता है जिसका नाम चैरिटी होता है, जो कि बर्नम की उम्र की होती है। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अब ये एक साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। चैरिटी के पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो चैरिटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती अब भी खत्म नहीं होती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। और जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो एक बार फिर से मिलते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बर्नम चैरिटी के घर जाता है और उसके पिता से कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। हालांकि चैरिटी के पिता ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते हैं क्योंकि अब उनकी बेटी बालिग हो चुकी है। पर वो बर्नम से कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। अब चैरिटी और बर्नम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वक्त बीतता और इनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। चैरिटी अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट है, लेकिन बर्नम संतुष्ट नहीं होता। वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो एक अमीर आदमी बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने का इस वक्त उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। जिस कंपनी में बर्नम काम करता है वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है, जिस वजह से उसकी जॉब छूट जाती है। बर्नम जॉब छूटने की वजह से बहुत परेशान होता है। ये बात वो अपनी पत्नी चैरिटी को बताता है, लेकिन चैरिटी बहुत ही पॉजिटिव होती है, वो हमेशा उसका साथ देती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बर्नम कहता है कि ये वो जिंदगी नहीं है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। लेकिन चैरिटी बर्नम के साथ और अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश होती है। अब बर्नम कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है और उन्हें अपना आइडिया बताता है कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है। बैंक एम्प्लॉय उससे कहता है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी चीज को गिरवी रखना होगा। बर्नम उसे जहाजों के दस्तावेज देता है जो उसने अपनी कंपनी से चुराए होते हैं। बैंक दस्तावेज रखकर उसे $10,000 का लोन दे देता है और अब बर्नम के पास पैसे हैं, इसीलिए वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहता है। दरअसल वो एक म्यूजियम खोलना चाहता है। सबसे पहले म्यूजियम के लिए वो एक जगह किराए पर लेता है और इसके बाद वो म्यूजियम में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजों को लेकर आता है। लेकिन उसका शो देखने के लिए, उसका म्यूजियम देखने के लिए कोई भी नहीं आता। म्यूजियम की सिर्फ 3 टिकट्स बिकती हैं जो कि उसी के परिवार ने खरीदी होती हैं। बर्नम इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। रात को जब वो अपनी बेटियों के कमरे में जाता है तो उसकी बेटी उसे कहती है कि लोग निर्जीव और मरी हुई चीजों से ज्यादा जिंदा चीजों को देखना पसंद करते हैं। बर्नम को भी इस बात का एहसास होता है और वो तय करता है कि अब वो कुछ ना कुछ ऐसा अलग करेगा जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसके म्यूजियम में आए। बर्नम के माइंड में एक आइडिया आता है और वो तय करता है कि वो ऐसे यूनिक लोगों को ढूंढेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात हो। सबसे पहले वो एक लेडी के घर जाता है जिसका बच्चा हाइट में बहुत ज्यादा छोटा होता है। दरअसल ये बच्चा एक ड्वार्फ है। वो उस बच्चे से कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, हालांकि लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। वो बच्चा काम करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और अब बर्नम शहर में इसी तरह के लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। वो एक लेडी के पास भी जाता है जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। वो उसे भी अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। इसी तरह से वो अलग अलग लोगों से मिलता है और अब उसकी पूरी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। शहर में अब वो अपने शो का प्रमोशन करता है और शो के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब उसका पहला शो होता है, लेकिन उसने जितने भी विचित्र लोगों को शो के लिए इकट्ठा किया था वो सब के सब ऑडियंस के सामने जाने से घबरा रहे होते हैं। बर्नम उनके पास जाता है और उन्हें मोटिवेट करता है और अब बर्नम का शो शुरू हो जाता है। सबके सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और जितने भी लोग शो देखने के लिए आए होते हैं सबको शो बहुत पसंद आता है। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही होती है और अब बर्नम का काम चल चुका है। हर रोज कई लोग शो देखने के लिए आते हैं। शो हमेशा हाउसफुल रहता है, कई लोगों को टिकट्स भी नहीं मिलती। लेकिन अब एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर को लगता है कि ये उन लोगों का मजाक उड़ाकर पैसे कमा रहे हैं जो लोग अजीब से दिखते हैं, जिनके अंदर कुछ कमियां हैं, इसीलिए
वो इस शो के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखता है और जब बर्नम इस न्यूज को पढ़ता है तो वो अपना दिमाग चलाता है। वो इस न्यूज को बाकी सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा कर ये लिख देता है कि जो भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आएगा उसे टिकट में एक खास डिस्काउंट मिलेगा और ऐसा करने से उसका शो और भी पॉपुलर हो जाता है। बर्नम इस तरह से बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अब उसने अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही आलीशान घर भी ले लिया होता है। हालांकि बर्नम ने बहुत पैसे कमा लिए होते लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बर्नम के खिलाफ होते हैं। अब बर्नम अपने परिवार के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फिलिप से होती है जो कि एक प्ले राइटर है। बर्नम फिलिप से अपने साथ काम करने के लिए कहता है लेकिन फिलिप उसे मना कर देता है, पर जब बर्नम कहता है कि मैं प्रॉफिट का 10% तुम्हें दूंगा तो फिलिप मान जाता है और अब ये दोनों हिस्सेदार बनकर शो में काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब फिलिप बर्नम के शो को देखने के लिए जाता है तो वहां पर एक अफ्रीकन आर्टिस्ट होती है जिसका नाम एनी होता है और जब फिलिप एनी को देखता है तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। फिलिप के बर्नम की टीम में शामिल होने के बाद शो की पब्लिसिटी और भी बढ़ जाती है। हालांकि अब भी कुछ लोग इनका विरोध कर रहे होते हैं लेकिन बर्नम और उसकी टीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना शो करने के लिए अब्रॉड भी जाते हैं जहां पर फिलिप इन सब की मुलाकात क्वीन विक्टोरिया से करवाने के लिए अरेंज करता है और अब ये सब के सब क्वीन विक्टोरिया से मिलने के लिए जाते हैं। क्वीन विक्टोरिया इन सब की बहुत तारीफ करती है और ये सब लोग भी क्वीन विक्टोरिया से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बर्नम यहाँ पर एक बहुत फेमस ओपेरा सिंगर को भी देखता है जिसका नाम जेनी होता है। वो फिलिप से कहता है कि मैं जेनी से मिलना चाहता हूँ। जेनी से मिलने के बाद उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क आकर एक शो करो और जेनी उसकी बात मान जाती है। वो न्यूयॉर्क आकर उसके लिए एक शो करती है जिस शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जेनी इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये शो बहुत ही कामयाब रहता है। शो की कामयाबी की खुशी में बर्नम एक पार्टी देता है जिस पार्टी में वो न्यूज रिपोर्टर भी आता है जो हमेशा इनके शो के खिलाफ लिखा करता था और अब वो कहता है कि तुम्हारा शो वाकई बहुत अच्छा है। इस पार्टी में बर्नम की पत्नी चैरिटी के माता पिता भी आते हैं लेकिन बर्नम उनसे नाराज होता है, इसीलिए वो उनका अपमान करके उन्हें पार्टी से निकाल देता है। कि पत्नी चैरिटी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसीलिए वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। बर्नम यहाँ मेहमानों के बीच में बिजी होता है इसीलिए वो अपनी पत्नी को मनाने नहीं जाता। अब यहाँ पर शो के वो लोग भी जो कुछ अजीब से देखते हैं वो भी इस पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन बर्नम उन्हें पार्टी में नहीं आने देता। उसे लगता है कि अगर ये लोग पार्टी में आएंगे तो उसकी पार्टी का मजाक बन जाएगा, लेकिन ये सब के सब लोग किसी तरह से पार्टी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां पर सबके सामने डांस करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद वो सब के सब वहां से चले जाते हैं। बर्नम को ये बात बहुत अजीब लगती है। वहीं बर्नम ने जेनी के साथ कई शोज बुक कर लिए होते हैं जिसके लिए उसने जेनी को बहुत सारे पैसे पहले से दे दिए होते हैं। उसका पार्टनर फिलिप उसे बताता है कि तुम ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, पहले 40 शो तक तुम्हें एक भी पैसे का फायदा नहीं होगा। लेकिन बर्नम उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता, बस वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। फिलिप उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि शो में लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें वहां पर होना चाहिए, लेकिन बर्नम उसकी बात नहीं सुनता और सारी की सारी जिम्मेदारी उसे दे देता है और अब फिलिप पूरे शो को संभालेगा क्योंकि बर्नम को यहाँ से बाहर जाना है। फिलिप शो से पहले एनी से मिलने जाता है जिसे वो दिली दिल में पसंद करता है। इस शो को देखने के लिए फिलिप के माता पिता भी आए होते हैं और जब फिलिप एनी को अपने माता पिता से मिलवाता है तो फिलिप के पिता उसका मजाक उड़ाते हैं जिससे एनी को बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिलिप एनी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता और किसी तरह से उसे मना लेता है और अब उसने अपने प्यार का इजहार भी उसके आगे कर दिया होता है। एनी और फिलिप अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं बर्नम जाने से पहले अपनी पत्नी चैरिटी से मिलता है लेकिन उसकी पत्नी चैरिटी कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन बर्नम कहता है कि मैं सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं और वो यहां से चला जाता है। जेनी के साथ बर्नम शो करना शुरू करता है जो कि बहुत ही कामयाब रहते हैं, पेपर पर उनके शो की बहुत तारीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप बर्नम के शोज को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है लेकिन बर्नम की पत्नी जेनी बर्नम को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है और एक पार्टी के दौरान जेनी बर्नम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, वो उसके करीब आने की कोशिश करती है लेकिन बर्नम उसे मना कर देता और कहता है कि मुझे घर जाना होगा। जेनी कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन बर्नम ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जेनी बर्नम से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शो को छोड़ दूंगी। बर्नम कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा इन शोज में लगा दिया है। और जेनी ऐसा ही करती है, वो एक शो करने के बाद
बाद इस शो को छोड़कर चली जाती है। वर्णम भी अपने घर वापस आ जाता और तभी उसे पता चलता है कि कुछ सर्कस विरोधियों ने सर्कस पर आग लगा दी है। वो जल्दी से उस जगह जाता और देखता है कि उसके सभी आदमी सुरक्षित है, लेकिन फ्लिप अब भी आग के अंदर फंसा हुआ होता है। वो फ्लिप को किसी तरह से अंदर से बचाकर बाहर ले आता है, पर अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने माता पिता के पास जा रही है, क्योंकि एक तो वो बर्नम से नाराज होती है और दूसरा बैंक वालों ने घर खाली करवा दिया होता है, क्योंकि बैंक से बर्नम ने बहुत सारा पैसा कर्ज लिया था। और अब बर्नम, जिसके पास कुछ दिनों पहले सब कुछ था, अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। ना उसके पास पैसे हैं और ना ही परिवार। वो एक बार में जाकर दारू पीने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी उसकी सर्कस की पूरी टीम वहां पर आती है, जो लोग अजीब से दिखते हैं। वो बर्नम से कहते हैं कि सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हमने अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें समाज में एक पहचान मिली, हमें काम मिला, और हम चाहते हैं कि तुम एक बार फिर से सर्कस शुरू करो, क्योंकि वो सिर्फ सर्कस नहीं बल्कि हमारा घर है, हम एक परिवार है। ये सुनने के बाद बर्नम के अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास आ जाता है। यहाँ पर उसके सभी लोग डांस करते हैं और अब बर्नम भागता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता, उससे माफी मांगता है। चैरिटी से कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ भूल गया था, मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन प्यार और परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। चैरिटी कहती है कि मुझे पुराना वाला बर्नम चाहिए, जैसे कि तुम पहले थे, और बर्नम उससे वादा करता है कि वो हमेशा वैसे ही रहेगा। पर अब बर्नम के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे दोबारा सर्कस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है और कोई बैंक उसे लोन नहीं देता, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी फ्लिप उसके पास आता और बताता है कि मैंने बहुत सारी सेविंग कर रखी है, तुम चाहो तो उन पैसों को ले सकते हो। बर्नम मना कर देता है। फ्लिप कहता है इसके बाद हम 50-50 के पार्टनर बन सकते हैं, और अब बर्नम उसकी बात मान जाता है। दरअसल फ्लिप भी चाहता है कि सर्कस दोबारा से शुरू हो जाए। ये सर्कस को एक दूसरी जगह शुरू करते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग इनका शो एक बार फिर से देखने के लिए आते हैं। शो दोबारा से हिट हो जाते हैं और इनकी जिंदगी अब पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन बर्नम के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। वो पैसे तो कमाता ही है, लेकिन इससे ज्यादा वो अपने परिवार को टाइम देता है। वो अपने घर जाता है, जहां पर वो अपनी बेटी का डांस भी देखता है। यानी कि बर्नम को समझ में आ चुका है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार, परिवार और अपने लोग ही सब कुछ होते हैं, जिनसे हमें खुशियां मिलती है। और जो भी लोग इस तरह से जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी द ग्रेटेस्ट शोमैन की। ये एक सच्ची कहानी है, जिस पर फिल्म बनी थी सन 2017 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।